हिंदी 11वीं विदाई सभाषण। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्ता। इन्होंने विदाई सभाषण के लिए अपने विचारों को व्यक्त किया है। बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय क्या था? जन्म सन 1865, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादन अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बागवंशी, भरत मित्र आदि। प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे चिट्ठे और खत खेल तमाशा। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई। गुप्ता जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वास्थ्य से काफी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई देता है। उन्होंने बंगला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। विदाई सभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो 1899 से 1904 तक एवं 1904 से 1905 तक दो बार वायसराय रहे, के शासनकाल में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अतः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्होंने देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लाठ कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई शासन के अंतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वे सामान्य जनता हो या फिर लाठ कर्जन जैसा वायसराय। उस समय लिखा गया गद्य का नमूना जब प्रेस पर पाबंदी का दौरा चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोदप्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, जीवन भाषा एवं रवानी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। विदाई सभाषण। बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस गद्य में अंग्रेजों के समय, जब हिंदुस्तान गुलाम था, उस समय
हिंदुस्तान के लोगों की क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, वह अपना कैसा जीवन जी रहे थे, उनके ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे थे भारतीयों के ऊपर, और कितनी जाति हो रही थी। अंग्रेज और लॉर्ड कर्जन, उनके जो वाइस राय थे, उन्होंने अपने शासनकाल में भारतीयों का शोषण करने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, कैसी यातनाएं दी, इस बारे में विदाई सभाषण के रूप में उन्होंने अपने विचारों को गद्य के रूप में प्रचारित किया है, लेख किया है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। इस बारे में विदाई सभाषण क्या है, ये माई लॉर्ड अंत को आपके शासनकाल इस देश में अंत हो गया, क्या है अंग्रेजों के शासनकाल का अंत हो गया, वो इस देश से अलग हो गए, इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी ऐसा पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आप ही का था ना इस देश के निवासियों का। इसे जान पड़ता है कि आपके आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है जिस पर यहाँ के बालों का आपका भी काबू नहीं है। छड़ना समय का बड़ा कर्ण उत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देख कर आज हृदय में बड़ा दुख है। माई लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार पसंद ना थे, वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। वे दिन रात यही मनाते थे जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर आहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़ना समय बड़ा कर्णोत्पादक होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल, बड़ा कोमल वैर भाव छूट कर शांत रस का अभिभाव उस समय होता है। माइलार का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ पिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभु के दो गायें थी, उनमें से एक बलशाली थी, वह कभी कभी अपने सिंहों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि गाय दुर्बल, उसके चले जाने से पसंद नहीं हुई, वरंच उस दिन भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माइलार, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा, इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। यद्यपि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखंत और अधिक आश्चर्य की बात है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखान समझकर खेला आरंभ किया वह दुखांत हो जाएगा, जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है, दूसरों को अपनी लीला दिखाता है, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीला में की लीला हो रही, यह उसे देखकर नहीं। इस बार बंबई में उतरकर माइलॉर्ड अपने जो इरादे जाहिर किए, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ के आते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा, मेरे बाद आने वाले बड़े
लाडों को वस्तुतः कुछ करना ना पड़ा। वे कितने ही वर्ष सुख की नींद सोते रहे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला रहे हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को ना जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने बिस्तरा गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भर्ती नचाया है। आप स्वयं भी खुश ना हो और आपके यहाँ की प्रजा को सुखी ना होने दिया, इसका लोगों को चित पर बड़ा ही दुख है। गद्यांश है विदाई सभाषण। विदाई क्या होती है, उसकी पीड़ा क्या होती है? विदाई आपने देखी है, हर प्रकार की विदाई देखी है, लेकिन हिंदुस्तान जब आजाद हुआ है और उसके बाद जब अंग्रेजों की यहाँ से विदाई हुई, लॉर्ड कर्जन थे जो हिंदुस्तान में वायसराय थे, इनके सामने जब इनकी विदाई हुई, उस बारे में बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो गद्य लिखा है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और बच्चों, ये अभी आधा पाठ हुआ है, इसके बाद का पाठ गद्यांश आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जो इसे कठिन शब्द हैं, जो इनके गद्यांश हैं, जो इनकी व्याख्या है, और बाल मुकुंद जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए। और कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे से संपर्क करें।